नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए रॉकी और दीपक नाम के दो लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग कांप से उठेंगे। ये इतनी ज्यादा खौफनाक घटना है ना कि आप ये सुनने के बाद कभी भी ऐसी कुछ हरकत करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। दरअसल भाई, रॉकी और दीपक की जिंदगी से हम शुरुआत करें इस घटना की, तो ये दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे। रॉकी था दिल्ली का रहने वाला और दीपक था पंजाब का रहने वाला। दोनों ही पढ़ाई करने के लिए जयपुर आए हुए थे भाई। अच्छे से बढ़िया कॉलेज में इन लोगों का एडमिशन हुआ था और ये लोग यहाँ पर एक्चुअली इंजीनियरिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये लोगों ने हॉस्टल लिए थे। अभी हॉस्टल के कमरे में ही एक दूसरे से पहली बार मिले थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रूममेट्स थे। इनका एक तीसरा रूममेट भी था जो कि सीनियर था, इस वजह से वो फाइनल ईयर में था। एक्चुअली उसका ऐसा था कि उसके प्रैक्टिकल्स वाला टाइम चल रहा था तो वो कभी रहता था कभी नहीं रहता था। उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर बहुत सारे हो गए थे तो वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के घर पे चले जाया करता था और वहीं पर पूरा नाइट आउट मारता था। तो ये रॉकी और दीपक ही फर्स्ट ईयर में थे भाई, तो ये दोनों के बीच में हो गई थी बढ़िया वाली दोस्ती। साथ में कॉलेज भी जाते थे, एक ही ब्रांच में पढ़ाई भी करते थे, साथ में खाना भी खाते थे। मतलब इन लोगों ने अपना टाइम बिल्कुल ऐसा कर लिया था कि जैसे दो भाई हों, एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। फिर एक बार की बात है भाई, छुट्टियां पड़ी किसी रीजन से कॉलेज में, कुछ तो चीज ऐसी आई कि छुट्टियां पड़ी, तो सारे बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में घर चले गए। तो रॉकी बोलता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा दीपक से। दीपक बोलता है क्यों, घर क्यों नहीं जाना है? रॉकी बोलता है कि देख, अभी जब वापस से अपने कॉलेज रीओपन होंगे ना तो कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाया हूँ, और अगर मैं अभी घर चले जाऊंगा तो घर का माहौल ऐसा है कि ठीक नहीं रहेगा, मैं वहां पे अपनी पढ़ाई लिखाई ये प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं नहीं जा रहा हूं। तू जा रहा है तो चले जा। लेकिन ये सुनकर दीपक क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं जाता हूं। दोनों ही नहीं जाएंगे, दोनों यहां पर रहेंगे, बढ़िया मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे और पूरा हॉस्टल खाली मिल रहा है, सोच कितना ज्यादा मजा आएगा। ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे और घर को नहीं गए। हॉस्टल में और भी कुछ लोग थे जो फर्स्ट ईयर के नहीं थे, सीनियर्स थे, सेकेंड ईयर के कुछ थे, थर्ड ईयर के कुछ थे, फोर्थ ईयर के कुछ थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग थे, लेकिन अब बहुत कम लोग हॉस्टल में बचे हुए थे। अब सभी लोगों को गए हुए 3 से 4 दिन हुए थे। ये लोगों ने फुल एंजॉय किया हॉस्टल में, घूमते फिरते भी थे, छुट्टियां चल रही थी ना तो कॉलेज का प्रेशर नहीं था, पढ़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे और हॉस्टल के ग्राउंड में बढ़िया खेलते कूदते भी थे। कब 3-4 दिन कट गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन की बात है, ये मतलब शाम के टाइम ना मोबाइल में कोई मूवी देखे, कोई हॉरर मूवी, हॉलीवुड वाली हॉरर मूवी थी कोई, और दोनों के बीच में बात छिड़ गई। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे और बात ये छिड़ी कि भाई ये भूत प्रेत अगर सचमुच में अपनी दुनिया में आ जाए तो ये मंजर कितना ज्यादा खौफनाक होगा ना। तो इतने में ही दीपक क्या बोलता है, नहीं भाई भूत प्रेत सचमुच में आ सकते। रॉकी बोलता है अच्छा कौन सा तरीका है भाई बताना। दोनों ही भूत प्रेतों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते थे, लेकिन तरीका वरीका इन लोगों को क्लियर मालूम नहीं था। दीपक ने ही कहीं ना कहीं सुना हुआ था कि मिरर के सामने आधी रात के लगभग 3 बजे के आसपास जाओ और एक सेंटेंस है वो दोहराओ तो आपके सामने एक आत्मा आती है और लिटरली आपको वहीं पर खेल खत्म कर देती है आपका। तो वो कौन सा सेंटेंस था कि आप जानते हैं? वो सेंटेंस ये था, डेविल इफ यू हैव गट्स कम हियर एंड शो योर प्रेजेंस। ये वो सेंटेंस था। दीपक ऐसा बताता है भाई रॉकी को कि अगर तू रात के 3 बजे जाकर बाथरूम में लगे हुए आईने में दरवाजा बंद करके ये वाला सेंटेंस 13 बार दोहराएगा तो तेरे सामने एक आत्मा आएगी, तुझे दिखाई देगी और तेरे ऊपर वार करने की कोशिश करेगी। उसके वार से बच के तुझे बाथरूम से तुरंत बाहर निकलना है, नहीं निकल पाया तो तेरी लाइफ बहुत बड़े रिस्क में जाएगी। रॉकी एक्साइटेड हो गया, भाई अगर ये तरीका है तो पक्का मैं ये करूंगा। फिर थोड़ी देर ये लोग बातचीत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दीपक रॉकी से क्या बोलता है कि यार मत कर, एक काम कर, जाने दे, अपन सोसा जाते, ये सारी चीजें करना ठीक नहीं है। सचमुच में कोई आत्मा आ गई और तुझे कुछ नुकसान पहुंचा दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इधर पर रॉकी ही बोल देता है हाँ यार छोड़, एक काम करते हैं अपन कुछ और करते हैं। ये लोग कुछ और टाइम पास करने लगे। इन लोगों के पास ना मोबाइल में कोई गेम था जिसमें ये दोनों ऐसा शेयर करके खेल सकते थे। मोबाइल में गेम खेलने लगे और अब रात के तकरीबन 2:15 बज गए। यहाँ पे दीपक को नींद आने लगी। दीपक ने बोला मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। अब दोनों ही अपने अपने बेड में जाकर लेट गए। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे।
एक जोर की बिजली कड़ी, फिर अचानक से रॉकी की नींद खुल गई। ये जागा, बोला यार ये मौसम बारिश वाला तो नहीं है, लेकिन ऐसी बिजली कैसे कड़ गई। हालांकि बारिश वाला मौसम जस्ट गया हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली रात के 3 बजे ऐसे बिजली कड़कना थोड़ा रॉकी को हैरान कर दिया। रॉकी उठा, समय देखा, बोला 3 बजे हुए हैं यार, ये तो वही टाइम हो रहा है जिस समय हमको चैलेंज करने के लिए हमने डिसाइड किए थे। अचानक से उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं करूं, शायद ये नेचर भी चाह रहा है कि मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूं, एक बार करके देखता हूं। वो उठ के दीपक को देखता है और दीपक गहरी नींद में सो रहा था। ये उठा और धीमे धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहां पे एक कैंडल जलाया। इन लोगों के हॉस्टल में इन लोगों ने कैंडल भी रखे हुए थे। इन्वर्टर कभी कभी खराब हो जाता था या जनरेटर, जो भी था भाई, इस वजह से इन लोगों को कैंडल्स रखनी पड़ती थी। ये कैंडल जलाया और 13 बार बोल दिया, डेविल इफ यू हैव गट्स कम हियर एंड शो योर प्रेजेंस। 13 बार बोलने के बाद लिटरली कुछ भी नहीं। रॉकी बड़ा हैरान हो गया कि अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बड़ी हिम्मत करके उसने वापस से दरवाजा खोला। डर ये था कहीं दरवाजा खोले और मुंह के सामने डेविल ना आ जाए, लेकिन नहीं, दरवाजा खोलते से ही सब कुछ नॉर्मल था। वो कैंडल बुझा के आराम से अपने बेड में आकर लेट गया। नींद तो थोड़ी उड़ चुकी थी, अब नींद वापस आने में लगभग 20 मिनट लग गए। अब हो चुके थे रात के 3:25 का समय। इसको वापस से नींद लग गई। अब नींद लगे हुए लगभग 5 मिनट नहीं हुए थे, लगभग 3:30 बज रहे होंगे कि एक सपना इसको दिखाई देता है। रॉकी सपने में देखता है कि वो इसी प्रकार से वॉशरूम में गया जिस प्रकार से वो 3 बजे गया हुआ था। सपने में वो वॉशरूम में गया और उसके वॉशरूम में एक आईना नहीं है, उसके वॉशरूम में चारों तरफ आईने हैं। वो मेन वाले सामने वाले आईने में जाके खड़ा हुआ है और जिस भी मिरर में देख रहा है उस मिरर में वो खुद को ही पा रहा है। ऑब्वियसली सामने आईने लगे हैं तो कितने भी लगे हो आप अपने आप को ही देख पाएंगे, लेकिन उनमें से एक मिरर ऐसा है जिसमें उसको एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। बच्चे की उम्र लगभग 15-16 साल की है और आंखें पूरी तरीके से डार्क सर्कल से भरी हुई है और रंग एकदम पेल टाइप का है। ऐसा लग रहा है देखने में कि उसके शरीर में खून ही नहीं है। इसने उस चीज को इग्नोर किया, मैं सपने की ही बता रहा हूं। सामने जो मिरर लगा हुआ था उसके नीचे की तरफ था एक वॉश बेसिन, वहां पे कैंडल रखी हुई थी एक मोटी सी एकदम क्रीपी दिखने वाली। सपने में ही उसने उस कैंडल को जलाया और सपने में ही यही वो जो सेंटेंस बोलने लगा, डेविल इफ यू हैव गट्स कम हियर एंड शो योर प्रेजेंस। 13 बार बोला ही है कि अचानक से वो सारे के सारे मिरर्स ब्लैक हो गए। सपने में सारे के सारे मिरर्स ब्लैक, इनफैक्ट उसके जस्ट सामने वाला मिरर भी ब्लैक हो गया, मानो कि ऐसी काली दीवार हो, आईने खाली दीवार में बदल गई है सपने में। लेकिन एक जो आईना जिसमें वो बच्चा दिखाई दे रहा था वो वैसा का वैसा ही था। वो बच्चा अभी भी उस आईने में दिखाई दे रहा है और वो घूर घूर कर रॉकी को देख रहा है। रॉकी थोड़ा सपने में ही उसे देखकर घबराया और वॉशरूम से निकलने की जैसी कोशिश किया पलटा ही है कि उसके पीछे एग्जैक्टली वो खतरनाक सी चुड़ैल उसको दिखाई दी और जोर से उसके मुंह में आके चीखी है कि घबरा कर उठा चिल्लाकर, वाह सपना था, थैंक गॉड। उसको ये फील हुआ मैं सेफ हूं, ये एक बुरा सपना है। लेकिन इसके चीखने की वजह से दीपक की नींद भी खुल गई। दीपक ने रॉकी से ये बोला कि तू ठीक तो है ना। रॉकी बोलता है हाँ मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। उठ के दीपक के बेड में गया और उसको सारी बात बता दिया कि मैंने अभी तेरे सोते हुए क्या कांड किया हूं, मुझे क्या सपना दिखाई दिया है, सब कुछ बता दिया। अब दीपक की भी नींद उड़ गई, अब बेशक इसकी नींद तो पूरी तरीके से उड़ गई। अब दीपक बोलता यार तूने एक चीज गड़बड़ कर दी है, दरअसल इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं, रिचुअल्स चैलेंजेस को करते हैं ना, तो कंप्लीट तरीके से फेयरवेल भी देना पड़ता है। फेयरवेल मतलब आपके ऐसे अनुष्ठान करने की वजह से आपके इर्द गिर्द कोई आत्माएं आ जाती है, उनको विदा करना पड़ता है प्रॉपरली, तूने तो वो किया नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे इस कमरे में इस वक्त कोई ना कोई शैतानी शक्ति की प्रेजेंस है, उसको फेयरवेल देना होगा। अब ये बोलता है फेयरवेल कैसे दे, दीपक बताता है कि फेयरवेल देने का एक तरीका है और वो ये है कि दरअसल उस समय कमरे में जितने भी लोग होते हैं सबको उसी आईने के सामने जाके कैंडल जला के वो वाली सेंटेंस बोलना पड़ता है और फिर आखिरी में 3 बार बोलना पड़ता है, गो योर होम गो योर होम गो योर होम। ये बोलता है ऐसी बात है, चल यार दे देते हैं। इस वक्त रात के 3:00 लगभग 35 मिनट हो गए थे। ये दोनों ही वॉशरूम की तरफ बढ़े, कैंडल जलाए और मिरर के सामने जाकर बोलने लगे 13 बार बोले,
फिर तीन बार बोले गो योर होम, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। दीपक को पता नहीं, वहां की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिव सी लग रही थी, बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही थी, और यही फीलिंग उसके दोस्त रॉकी को भी हुई थी। रॉकी से दीपक ने कहा कि यार शायद जिस किसी की भी प्रेजेंस थी यहाँ पर वो वापस नहीं गई है, आत्मा अभी भी यहीं पर, फेयरवेल काम नहीं कर पा रहे, अपन दोनों ने तो दे दी। देख बुलाया तूने था ना, देख काम करते अब तू अकेला फेयरवेल, मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहूंगा, कुछ भी हो आवाज ला के बुला लेना, तू अकेला फेयरवेल। रॉकी बोलता है ठीक है चल, बुलाया मैंने था तो भुगतूंगा अभी मैं फेयरवेल दे रहा हूँ। अब वो दीपक बाहर चले गए और दरवाजा बाहर से ही बंद किया, और दीपक ने बोला कि अंदर से दरवाजा मत बंद करना। रॉकी ने भी अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया, ये वॉशरूम के अंदर गया है, बोलना शुरू किया है, बाहर से कान लाकर दीपक सुन ही रहा था, अंदर से रॉकी वो मंत्र वो चैंटिंग जो भी कहेंगे वो बोल ही रहा था कि अचानक से अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। दीपक घबरा गया कि पूरे हॉस्टल में, यहाँ तक कि वार्डन भी लड़के नहीं है, औरत नहीं है, तो हमारे रूम से लड़की के चीखने की आवाज कैसे सुनाई दी। इसको बहुत अच्छे से मालूम था कि हमारे कमरे में कोई लड़की नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे सोते में वो किसी को लेकर आया था रूम में, हम दोनों ही थे, तो फिर ये चीखने की आवाज कहाँ से सुनाई दी। इसमें दरवाजा खटखटाया, रॉकी तो ठीक है ना, अंदर से कुछ मुझे आवाज सुनाई दी है, रिस्पॉन्स दे कुछ। अंदर से घबराई हुई आवाज रॉकी की सुनाई देती, हाँ दीपक मैं ठीक हूँ, मैं बस आ ही रहा हूँ, फेयरवेल दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो वहीं पर रुक। फिर वापस से वो सुनने की कोशिश करता है, वापस से वो दोहरा रहा था वही चैंटिंग, डेविल इफ यू हैव गट्स कम हियर एंड शो योर प्रेजेंस, वापस से दोहरा रहा था। अब ये दोहराते दोहराते इसने लगभग 40 से 50 की गिनती क्रॉस कर दिया। ये बोला कि ये क्या हो रहा है। दीपक ने फिर से आवाज लगाया, बोला भाई रॉकी इतनी बार नहीं बोलना है, समझ रहा है ना तू, 13 बार ही बोलना था, और फिर 3 बार बोलना था कि गो योर होम गो योर होम गो योर होम, तू बार बार क्यों रिपीट कर रहा है। लेकिन अंदर वाला रॉकी उसी को सुने था ना, अंदर से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, केवल वही मंत्र पढ़ा जा रहा था। फिर अचानक से कुछ धड़ से गिरने की आवाज आई, ये घबराया, उसकी चैंटिंग भी बंद हो गई। दीपक रुका नहीं, दरवाजा खुला और सीधे अंदर। अंदर जैसे ही पहुंचा तो क्या पाता है पता है, रॉकी मुंह के बल वॉशरूम में गिरा हुआ है, और जो आईना है ना वो फूटा हुआ है। ये घबरा गया, आवाज बहुत जोर की थी, इस वजह से आसपास जो कुछ सीनियर थे उनके रूम के आसपास वो भी भागते हुए आ गए और चिल्ला चोट होने लगे। इतने में ही वार्डन भी यहाँ पर पहुंच गया, फिर तुरंत ही फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है, लगभग इसका ट्रीटमेंट 8 से 9 घंटे तक चला। उसके पेरेंट्स भी फ्लाइट पकड़ के आ चुके थे। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिए कि अब ऊपर वाले के हाथ में, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक उसे उसमें रखा गया, वेंटिलेटर में जो बोलते हैं, लेकिन उसका शरीर नॉर्मल नहीं हुआ, और लगभग 13 से 14 घंटे बाद ये सब जूझने के बाद उसने अपनी सांसें रोक दिया, वहीं पर वो खत्म हो गया, समझ में ही नहीं आ पाया। आज इस घटना को लगभग 6 साल हो चुके हैं, 2017 में यह घटना घटी थी, लेकिन दीपक अपने आप को ही कोसता है कि सब मेरी वजह से ही हुआ, काश मैं घर को चला गया होता, काश मैं रुका नहीं होता। रुक भी गया था तो हॉरर मूवी देखने के बाद उसने जो टॉपिक निकाला था मैं उसको काट दिया होता, इग्नोर कर दिया होता। मैंने बोला इस वजह से उसकी जान चली गई। दीपक को आज भी बहुत बुरा लगता है। अब दीपक ऐसा हो गया है कि इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया है और ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो इस चीज़ को चूज़ किया है कि अब मैं शांति रहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, इसमें दीपक की कोई भी गलती नहीं है। गलती मतलब हालातों की है एक तो, और ऊपर से इसकी भी थी, रॉकी की भी थी। रॉकी को नहीं करना चाहिए था, जब सोने से पहले डिसाइड हो गया था कि छोड़ यार नहीं करते हैं ना, जाने दे इग्नोर मार, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो फिर बिजली कड़कने के बाद ये क्यों उठा, क्यों वॉशरूम में जाके ऐसी हरकत की, इसको नहीं करना चाहिए था। हो सकता, देखो हम लोग भी ऐसी कहानियां बताते हैं, आप लोगों को चीज़ें पता चलती है, आप लोग सोते हैं भूल जाते हैं, फिर नया दिन निकलता है, नई रात आती है, नई कहानी सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसे ही रखना चाहिए भाई, भले ही आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता हो उस चीज में इन्वॉल्व मत हो। जरूरी थोड़ी है यार आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है वो चीज करना ही है, मत करो ना। कुछ चीजों को मनोरंजन तक ही सीमित रहने दो, बातचीतों तक ही सीमित रहने दो, सभी सही होता है।
सही बात है, एक मनहूस सी रात, एक मनहूस सा मामूली सा दिखने वाला मिरर दो लड़कों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक लड़का जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से बात नहीं करता, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई एक तरीके से, और एक लड़का जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इसीलिए जो भी चैलेंज है ना, आप देख लिया करो, हम जो करते हैं कोई भी करता है, जैसा निखिल ने बोला, ये सब करने की कभी भी कोशिश मत करना। खैर, इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।